हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे कि भाई मेरे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपका चार्ज की बात की थी। आज हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे जो कि आपके जेई मेंस में फिर एग्जाम में क्या करता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि पॉजिटिव कोलोइड कौन होगा या नेगेटिव कोलोइड कौन होगा। ये आपको याद भी रखने हैं, ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बताऊंगा, जितने काम के हैं वही बताऊंगा और वही पूछे जाएंगे, उसके अलावा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, तो आप ऐसे टेबल बनाना है जो कि बेसिकली एग्जाम्पल्स के लिए है, छोटी टेबल की जरूरत है, इतनी बड़ी टेबल की जरूरत नहीं है। और इसमें आप लिखना एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड, चार्ज कोलॉइड्स, और दूसरी तरफ लिखना आप नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स एंड नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स, आपके पास दो ऑप्शन यहां पर है। तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स कौन कौन से होते हैं। जब भी आपके पास मेटल ऑक्साइड्स हो या मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से? मेटल ऑक्साइड्स हो या फिर आपके पास क्या हो, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो, इनमें से आपको कभी मेटल ऑक्साइड मिले या हाइड्रोक्साइड मिले, जैसे वो बोल दे आपको FeOH होल थ्राइस क्या होगा, तो आपको बोलना भाई पॉजिटिव चार्ज कोलाइड होगा। ठीक है, जब भी जिसके ऊपर मेरे पास मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो या ऑक्साइड्स हो, तो हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास ह्यूमन ब्लड, ब्लड मतलब, या फिर आपको ब्लड के नाम से पूछ सकता है, या फिर वो बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन भी कैसा होता है मेरा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, ब्लड के बारे में पूछ लेता कैसा कोलॉइड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। हमको बेसिकली लगता है भाई मेरा ब्लड न्यूट्रल ही होगा, तो न्यूट्रल पे टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड होता है। ठीक है, और लास्ट आपके पास बेसिक डाइज। बेसिक डाइज में एक आपको सबसे मेन याद रखनी है, मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ब्लू, इस डाई का आपको याद रखना है, ये ब्लू है मेरे पास, इसलिए बेसिकली मैंने इसको ब्लू रंग से कलर से यहाँ लिखा भी है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। जितने भी आपके मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो, या फिर मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड, वो सारे मेरे नेगेटिवली चार्ज आते हैं। जैसे मेटल के हम लोग Au गोल्ड लिख सकते हैं, मेटल सल्फाइड As2S3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मेरे पास मेटल्स हों या मेटल सल्फाइड्स आएंगे, तो ये सब किस कैटेगरी के अंदर आएंगे मेरे पास, नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स के अंदर। दूसरा स्टार्च, जिलेटिन या फिर गम, इनमें से कोई चीज है तो आपके नेगेटिव चार्ज कोलॉइड होती है। एंड लास्ट इज एसिडिक डाइज। बेसिक डाई तो मेरे पास क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड होता है, और जो एसिडिक डाइज होती है वो मेरे पास नेगेटिवली चार्ज होती है। इसके अंदर एक कॉन्गो रेड होता है डाई, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे ज्यादा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अलग अलग बुक उठाओगे, एनसीईआरटी के अंदर इतना ही है, अलग अलग बुक उठाओगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे होंगे जो कि कभी नहीं पूछे जाएंगे, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपके मेन लिए। अब जो मेरे पास सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है टिंडल इफेक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने चार्ज ऑन द कोलॉइड पढ़ा था, और अब हम लोग पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट अब मुझे देखना है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग लेना, सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी टिंडल इफेक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट। कि मेरे पास टिंडल इफेक्ट क्या होगा। ठीक है,
ठीक है। अब देखो टिंडल इफेक्ट क्या है, आपके पास जब भी आप लाइट को पास करोगे, मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ और उसी के माध्यम से आप सारी चीजें समझ जाओगे। ठीक है, आपने क्या किया, आपने टॉर्च ली, ठीक है, आप ऐसा घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, आपने एक टॉर्च लिया इस तरीके से, ठीक है, ये आपके पास टॉर्च है, इससे लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है इस तरह से। आपने क्या किया, इस लाइट के बीच में एक कन्वर्जिंग लेंस रख दिया। ठीक है, आपने यहां एक लेंस को सेटअप कर दिया और ये लेंस मेरा कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये लाइट्स को वो कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से कि जो यहां पर थी मेरे पास लाइट, इसको मैं ऑरेंज से ही बनाता हूँ लाइट की, ठीक है ना, वो कुछ ऐसे हो जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ नीचे आ रही थी वो क्या होगी, मेरे पास अब ऊपर आने लग जाएगी। ठीक है, और मेरे पास यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में मेरे पास एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जो कि मैंने यहाँ इस तरह रखा हुआ है कि बकेट लिया हुआ है मैंने, या फिर कोई बीकर है मेरे पास, ग्लास का ट्रांसपेरेंट है ये। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है। होता क्या है, आपके पास जब भी आप यहां पर सॉल्यूशन लोगे तो आपको इसके अंदर ये पाथ ऑफ द लाइट है ना विजिबल होगा। देखो अगर आपको एक काम करना है ना, एक्सपेरिमेंट, आप घर में क्या करना, एक ग्लास लेना कांच का, ठीक है, वाटर ग्लास लिया आपने जो कि ट्रांसपेरेंट है, आप इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी ले लेना, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा दूध डालना, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा डालोगे, समझ लो आपने दूध लिया और इसमें डाल दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे व्हाइटिश या फिर हो जाएगा। ठीक है, और इसके पूरे रूम में अंधेरा करना और यहाँ पर अपने मोबाइल से टॉर्च लाइट मारना, आपको यहाँ पर है ना पाथ दिखाई देगा लाइट का, कि लाइट किस पाथ पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी शो हो रही है कि भाई मुझे पाथ ऑफ द लाइट विजिबल हो रहा है इन द कोलोइडल सॉल्यूशन, इसी इफेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, टिंडल इफेक्ट कहता हूँ। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, टिंडल इफेक्ट बोलता हूँ, है ना। अब देखो मेरे पास क्या है यहाँ पर, जब, और आपने मूवी थिएटर्स में भी देखा होगा कि आप क्या होता है, आप कहीं पे बैठे हो, ये आप यहाँ पर सीट पर बैठे हुए हो, पीछे से लाइट आ रही होती इस तरह से, और आप जब इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे ना, आपको ये रेज जाती हुई दिखाई देती है, और आगे आपका स्क्रीन होता है तो स्क्रीन पे मूवी चल रही होती है, तो आप जब इनको ऊपर की तरफ देखते हो ना, आप देखना आपको ये रेज जो जाती हुई दिखाई देंगी, ये ब्लू कलर की दिखती है। कौन से कलर की दिखती है, ब्लू कलर की। और सेम काम यहाँ पर होगा, ये जो आपके पास एक ये कोन जो यहाँ बन रहा है इस मीटिंग पॉइंट से पहले, ये भी ब्लू कलर का होता है, और ये बाद में भी कैसा होता है, मेरे पास एक ब्लू कलर का कोन दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लाइट आ रही है जब वो इस पानी के अंदर, मेरे पास जो मैंने मिल्क डाला या कोलोइडल सॉल्यूशन लिया है, उसके जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पार्टिकल्स के साथ टकराती है और लाइट हर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। मेन इसका प्रॉपर्टी होती है कि लाइट यहाँ पर क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। अगर मेरी वेवलेंथ जो है, जिस, अगर समझो ये मेरे पास वेव ट्रेवल करके आ रही है लाइट की, और इसी साइज का मेरे पास पार्टिकल है जो इसकी वेवलेंथ है, तो वो उससे टकराएगी और वो इजिली क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। और मुझे पता है कि मैं जब रेड से लेके विबग्योर के ब्लू तक जाता हूँ, ठीक है, विबग्योर जब करते हैं तो रेड की एनर्जी ज्यादा होती है, ब्लू की एनर्जी कम होती है, इसलिए ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है मेरे पास, ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, ये इनसे ट्रेवल कर रहे होते हैं और टकरा रहे होते हैं। ठीक है, इतनी बात मुझे यहाँ पर पता है कि इसलिए ब्लू लाइट क्या होती है आपकी, सबसे ज्यादा यहाँ पर स्कैटर होती है। तो अगर आप क्या करोगे, जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तब उन्होंने क्या देखा कि भाई मैं जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता हूँ, समझ लो इसके मैंने एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पर मैं आया, और यहाँ पर अपनी आंखें रखी आपने, मतलब इस तरह से आप यहाँ से, ये ऑब्जर्वर आई है, ऑब्जर्वर आई इसको देख रही है थ्रू द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, माइक्रोस्कोप तो मुझे नहीं बनाना आता, बट मैं कोशिश करता हूँ, कुछ इस प्रकार से मैंने बना दिया। ठीक है,
अपने इस यहां से जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ये मेरे पास, जब आप इससे ऑब्जर्व करोगे सॉल्यूशन को, तो आपको जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, याद रखना जो इसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स है, डिस्पर्स फेज है डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, वो कोलोइडल पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे यहां से, ठीक है। और आपको ये पाथ ऑफ द लाइट तो विजिबली आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये 2D में नहीं है, लाइट मेरे चारों तरफ से आ रही होगी, आप खुद देखना, ठीक है, इस तरफ से पूरी तरफ से, यहां से भी, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से भी आ रही होगी, पूरे कोन की तरह आ रही होगी। तो ये जो कोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर भी एक कोन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर भी एक कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग टिंडल कोन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल कोन, ठीक है। ब्लू लाइट मुझे सबसे ज्यादा विजिबल होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या होती है, स्कैटर होती है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको लिखवाता हूँ एक एक पॉइंट जो मैंने अभी बोला है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट, व्हेन लाइट इज पास्ट थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वर्टिकल, बिकम्स विजिबल, विजिबल नॉट वर्टिकल, बिकम्स विजिबल एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो जब भी आपके पास व्हाइट लाइट पास करेगी थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन, दिस इज द मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन, आपको जो लाइट है उसका पाथ पूरा विजिबल होगा। और ये मैंने जो एक्सपेरिमेंट आपको बताया ना, करके भी देखना आप, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। आप ग्लास लेना, उसके अंदर पानी डालना ज्यादा अमाउंट में, थोड़ा सा दूध डाल के, और पूरे रूम में अंधेरा करके फ्लैश लाइट मारना, आपको पूरा यहाँ से ऐसे रेस जाती हुई दिखाई देंगी कि भाई मेरे यहाँ से मेरी व्हाइट लाइट क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है, और यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो रहा होगा कोन का, इस कोन को बोलते हैं टिंडल कोन, ठीक है, आपको दिखाई देगा, आप करके देखना। अब दूसरी बात, कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे कि भाई होता क्यों है टिंडल इफेक्ट, ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पास जो मैंने आपको बताया था ना लाइट स्कैटर करती है, वही इसका कॉज है, मेन कॉज। तो आप हेडिंग डालना, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। देखो टिंडल इफेक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। 2017 में जेई मेंस में और एडवांस में दोनों में क्वेश्चन आया था यहाँ से, 17 में आया था, उसके बाद से नहीं आया, तो आ सकता है इस बार। अब इतना कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनको स्कैटर करते हैं लाइट को, इसलिए दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन टिंडल इफेक्ट द इंसिडेंट लाइट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय कोलोइडल पार्टिकल
एंड देन स्केटरिंग ऑफ लाइट occurs at the surface of particles. ठीक है, पहले तो क्या करते हैं, यहां पर जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो क्या करते हैं अलग अलग डायरेक्शन उसको स्कैटर कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है. ठीक है, अब हमको ब्लू ही क्यों दिखाई देता है यहां से, जब हम इसके एकदम देखो लाइट सारी स्कैटर होती है, ऐसा मत सोचना कि एक ब्लू लाइट ही स्कैटर होती है, लाइट तो मेरी सारी स्कैटर होती है, इस डायरेक्शन में भी स्कैटर होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसके एकदम ये वाली डायरेक्शन, इस साइड ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, इसलिए हम एकदम यहाँ से परपेंडिकुलरली देखते हैं तो हमें ब्लू दिखाई देती है. ठीक है, अब लिखो थर्ड पॉइंट, दैट इज सिंस शॉर्टर वेवलेंथ अंडरगो मैक्सिमम स्कैटरिंग एट राइट एंगल, सो द कलर अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड फ्रॉम राइट एंगल. जब आप 90 डिग्री से देखते हो तो उस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा ब्लू स्कैटर हुआ होता है, इसलिए हमें वहां से कैसा दिखाई देता है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है. ये तो बात थी मेरे पास किसकी, कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट की. अब क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए तभी जाके मेरा टिंडल इफेक्ट होगा. ठीक है, सबसे पहले हमने टिंडल इफेक्ट देखा कि भाई मैं अगर व्हाइट लाइट को पास कराऊं या लाइट को पास कराऊं थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन, लाइट विल गेट स्कैटर्ड, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी और मेरे को वहां पर क्या होगा, पाथ ऑफ द लाइट क्या होगा, विजिबल होगा. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. फिर भाई मेरे पास क्या कॉज, क्यों होता है ये. ठीक है ना, अब कंडीशंस की बात करेंगे, क्या क्या कंडीशंस जरूरी हैं तभी मेरे पास टिंडल इफेक्ट होगा. अब लिखिए कंडीशंस टू शो टिंडल इफेक्ट कि क्या क्या कंडीशंस है तो ही मैं क्या कर पाऊंगा, टिंडल इफेक्ट शो कर पाऊंगा. पहली चीज, सबसे पहली जो कंडीशन है कि भाई मेरे पास जो लाइट ट्रेवल कर रही है और जो पार्टिकल का साइज है इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, इसकी वेवलेंथ में और इसकी साइज में, कोलोइडल पार्टिकल में ज्यादा डिफरेंस होगा तो स्कैटर नहीं कर पाएगा इसको, क्योंकि जब वो लाइट आके इसे टकराएगी तभी तो दूसरे डायरेक्शन में स्कैटर हो पाएगी. अगर वो इसे टकरा ही नहीं पाएगी, अगर उसके वेवलेंथ ज्यादा तो क्या होगा, वो इसको ऐसे पार करते हुए निकल जाएगा, ज्यादा वेवलेंथ है तो वो स्कैटर नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो आपके पास ये वेवलेंथ और पार्टिकल साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, देयर शुड नॉट बी लार्ज डिफरेंस between the size of colloidal particle. ठीक है, लिख लो आप डायमीटर, लिख लो चाहे कि भाई उसका डायमीटर से हम लोग उसका पार्टिकल का साइज बता सकते हैं, डायमीटर एंड वेवलेंथ of incident light.
ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट की बात करें और जो उसका पार्टिकल का साइज है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अब ये तो पहली बात तो हमने यहाँ पर लिख ली, अब दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है किंडल इफेक्ट शो करने के लिए, वो ये कि जब भी आप, जैसे हम लोगों ने देखा कब बन रहा था मेरे पास, मैंने पानी के अंदर दूध डाला था तो वाटर जो था यहाँ पर वो क्या था, डिस्पर्जन मीडियम था, और जो मैंने मिल्क मिलाया था वो डिस्पर्स फेज था। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एक अच्छा खासा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों की डेंसिटी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा तभी वहां पर जाके आपके पास वो मिल्कीनेस कोलॉइड का फॉर्मेशन करेगा और तभी आपको पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, तो आई एम राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी लार्ज difference between the refractive index of dispersed phase and dispersion medium, दोनों के बीच में एक large refractive index का difference होना चाहिए तभी वो कोलॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगे और मुझे पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, हमने दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, एक तो पढ़ा था लायोफोबिक कोलॉइड्स और मेरा एक था लायोफिलिक। लायोफोबिक क्या होता है, आपके पास जनरली टिंडल इफेक्ट शो करता है और लायोफिलिक आपका नहीं करता, क्यों, क्योंकि उनका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है वो कम होता है लायोफिलिक के अंदर, इसीलिए। ठीक है, सो राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, ये तीनों कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ इस बार आपको ना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन पक्का टक जाएगा यहाँ से, कॉज या इससे, क्योंकि 3 साल पहले क्वेश्चन आया था उसके बाद क्वेश्चन आया नहीं है इन सब पॉइंट से। देखो, टिंडल इफेक्ट इज जनरली observed in lyophobic colloids as in lyophilic colloids, the difference in refractive index is less. Lyophilic के अंदर करता है जो उनका डिफरेंस होता है बीच में refractive index में वो कम होता है, इसलिए ज्यादातर शो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि शो नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं पर जनरली ये शो नहीं करते। ठीक है, तो जनरल perception is कि मेरे lyophilic शो नहीं करते, इनमें भी कुछ हैं जो शो करते हैं। तो ये मेरे पास सेकेंड प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट हमने चार्ज ऑन द कोलॉइड पढ़ा था, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट पढ़ा। अब हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स के बारे में, वो है कलर ऑफ कोलॉइड्स। सो आप लिखिए थर्ड प्रॉपर्टी, तो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड है वो है मेरे पास कलर ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिकल का साइज कैसा होगा, छोटा होगा तो वेवलेंथ छोटी आएगी, अलग कलर शो होगा, बड़ा होगा तो बड़ी वेवलेंथ के साथ अलग कलर शो करेगा। ठीक है, तो मेरे पास लिखो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग कलर शो करता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कलर ऑफ कोलॉइड इज डिपेंडेंट ऑन following factors। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर यहां पर जो आता है वो आता है साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। एक अच्छा सा एग्जांपल है कि मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं गोल्ड सोल की बात करूं, ठीक है,
जब ये बहुत फाइन होता है ना, बहुत फाइन मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका जो कलर आता है वो आता है रेड, ठीक है। जब वो थोड़े कोर्स, उससे थोड़े से बड़े होते हैं, कोरस साइज में होते हैं, तो उनका जो कलर शो होता है होता है पर्पल, ठीक है। पर्पल ऑफ कैशियस आपने पढ़ा भी होगा, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, जब थोड़े बड़े साइज में होते हैं, कोरस साइज में, पर्पल, पर्पल ऑफ कैशियस आपने पढ़ा भी होगा। बट अगर और साइज बढ़ता जाता है तो वो ब्लू दिखता है, और उसके बाद फाइनली जो कलर होता है गोल्ड का, वो कैसा होता है, गोल्डन कलर होता है। तो हम लिख सकते हैं एज साइज, एज इंक्रीज ऑफ साइज इट अपियर्स ब्लू, और फिर लास्ट में देन गोल्डन। फाइनली कलर मुझे कैसा मिलता है, गोल्डन। तो जब सबसे छोटा होता है तब रेड, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है पर्पल, फिर ब्लू, और लास्ट में मेरे पास क्या आता है, वो गोल्ड के अंदर आ जाता है। फाइनल कलर मुझे उसे गोल्डन शो होता है। पहली चीज तो साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल था कलर का। दूसरा, अब वो जो स्कैटर्ड करेगा, ठीक है ना, स्कैटर कर रहा है, तो कौन सा कलर स्कैटर करेगा उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेकेंड पॉइंट इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, कौन सी वेवलेंथ उस पार्टिकल पे आके इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। तो वो उसका, ये वाला कलर आपने पढ़ा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक कलर्स को शो करता है, ठीक है, इस तरह से। वायलेट अगर इंसिडेंट होती है तो येलो दिखाई देगा, ब्लू होती है तो ऑरेंज दिखाई देगा, ग्रीन होती है तो रेड दिखाई देगा, येलो होगी तो वायलेट दिखाई देगा, ऑरेंज होगी तो ब्लू दिखाई देगा, रेड करोगे तो ग्रीन शो होगा, ठीक है। तो कौन सी वेवलेंथ उस पार्टिकल पे आके गिर रही है वो डिपेंड करती है। फिर वो जो स्कैटर करेगा, वो अगर आपने वायलेट रे उस पे गिरी है तो आपको येलो बाहर से दिखाई देगा, अगर आपके पास ऑरेंज गिरी है तो ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या थी यहाँ पर, साइज के बारे में बात होगी। दूसरी क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, कि भाई जो आप उस सरफेस पे वेवलेंथ को इंसिडेंट करवा रहे हो वो किस कलर की है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि भाई ऑब्जर्वर मेरा किस एंगल पे है। जस्ट इमेजिन, मैं दूध की बात करता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था ये मेरे पास मिल्क का कोलॉइड है, समझ लो, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने इंसिडेंट रे जो है वो इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हुई है, मेरी इंसिडेंट रे क्या है, इस डायरेक्शन से आई है, तो क्या होगा, दो डायरेक्शन होंगी मेरे पास, एक ये वाली डायरेक्शन जो इसके एकदम सामने है, और एक डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर में, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, और ये मुझे ब्लू कलर की दिखाई देती है, जो मैंने अभी आपको टिंडल इफेक्ट में बताया था। और ये जो रेड कलर से मैंने बोला बनाया है, ये होती है ट्रांसमिटेड रे, ये मेरे पास रेड कलर की होती है। ट्रांसमिट मतलब जो आपने इंसिडेंट रे की थी वो इसे ट्रांसमिट हो गया, आर पार हो गई, तो आपको रेड कलर की देखती है। अगर वो आपके पास बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो कौन सी कलर की दिखाई देगी, आपको ब्लू कलर की दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, मेरा ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, ठीक है, मेरा ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है उसका पूरा पूरा फर्क पड़ता है। यहाँ पर है वो, यहाँ पर है, या फिर वो यहाँ पर है, किस एंगल से मेरा ऑब्जर्वर व्यू कर रहा है, क्योंकि उसको हर एंगल पे क्या होगा, अलग कलर दिखने वाला है। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कलर ऑफ द सब्सटेंस से। बोला भाई कि भाई नीलेश यहाँ खड़ा है वो देखेगा तो उसको रेड दिखाई देगा, यहाँ पर मेरा निरुक्त खड़ा तो निरुक्त बोलेगा भाई मुझे तो ब्लू दिखाई दे रहा है, नीलेश झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दोनों सच बोल रहे हैं, बट अलग अलग डायरेक्शन से मुझे क्या होता है, अलग अलग कलर व्यू होता है। तो आप लिख सकते हैं द एंगल एट विच ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट, जिस एंगल पे वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर लाइट को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास था कलर, जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, ये कलर ऑफ द कोलॉइड्स के बारे में। पहला चार्ज, दूसरा टिंडल इफेक्ट, थर्ड कलर ऑफ द कोलॉइड्स,
फोर्थ, अब जो मेरे सबसे लास्ट है वो होती है ब्राउनियन मूवमेंट, जो पार्टिकल्स होते हैं मेरे कोलोइड्स के अंदर डिस्पर्स्ड फेज के अंदर, वो डिस्पर्जन मीडियम में ज़िगज़ैग मोशन में घूम रहे होते हैं रैंडमली, तो इसे मैं बोलता हूँ ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, अगर आपका ये कोलोइडल सॉल्यूशन था, आपने इस पर डिस्पर्जन मीडियम डाल रखा, तो डिस्पर्स फेज है ना, ये ऐसे रैंडमली एक एक डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, कोई ज़िगज़ैग मोशन में, कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, द रैंडम ज़िगज़ैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट इज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम वाले पार्टिकल हैं वो मूव करते रहते हैं और वो इनसे टकराते हैं, जिसे हम केमिस्ट्री अपनी एनसीईआरटी की भाषा में बॉम्बार्टमेंट लिखते हैं, वैसे क्या होता है कोलिजन होता है इनके बीच में, वो इसे टकराएगा तो ये आगे जाएगा, दूसरे एटम से टकराएगा तो ये इधर, इसलिए रैंडमली डायरेक्शन में एक दूसरे से टकराता है, ये किसी और से टकराएगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू कोलिजन, और हम लिख सकते हैं बॉम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ओवर डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज, मेरे पास जितना ज्यादा मेरा इनका साइज बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, ये नीचे सेटल होते जाएंगे, सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता जाएगा और ब्राउनियन मोमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होंगे, एक दूसरे के पास में होंगे तो इतना मूवमेंट वो नहीं कर पाएंगे। समझो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स यहाँ आ गए तो ये क्या मूव करेंगे, इसे टकरा के यहीं रुक जाएगा, ये यहाँ से टकरा के, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम लिख सकते हैं एज द पार्टिकल साइज इंक्रीजेस द टेंडेंसी टू शो ब्राउनियन मूवमेंट ब्राउनियन मूवमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे पार्टिकल्स का साइज बढ़ता जाएगा, बड़े पार्टिकल्स होंगे वो मूव ही कहाँ करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, उनका मूवमेंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोगुलेशन की बात करेंगे, ठीक है, वो मेरे लास्ट टॉपिक होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, दो लेक्चर के अंदर आपके पास क्या होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक इसको रिवाइज कर लो, देखो कुछ भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, वैसे आप देखोगे पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें थी याद करने की, बट इसी तरीके से आप पढ़ते जाओगे, चीजों को याद करते जाओगे, तो सारे मैंने पॉइंट्स में लिखवा रखी आपको चीजें, फटाफट याद हो जाएंगे। नोट्स पढ़ लिया तो नोट्स के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप ये नोट्स पढ़ लेना अच्छे से, सारी चीजें इसमें सारे एग्जाम्पल मैंने लिखवा रखे हैं, चीजें और डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट बना के लिखा रखा है कि कॉजेज क्या होंगे मेरे पास स्पिंडल इफेक्ट के, कंडीशन क्या क्या जरूरी है। ठीक है, कलर के मैंने तीन पॉइंट आपको लिखवा दिए कि अलग अलग डायरेक्शन पे देखना चाहिए, कौन सी वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है, साइज कैसा है, छोटा साइज है मेरे पास गोल्ड सोल का तो रेड कलर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया तो पर्पल, और बड़ा हो गया तो ब्लू, और फाइनली मेरे को कैसा मिलता है वो गोल्डन कलर का मिलता है। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या है मेरे पास, रैंडम मोशंस होते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है।